फ्रेंड्स, मेरे हाथ में ये चॉक के टुकड़े हैं। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ कि इन चॉक के टुकड़ों की मदद से हम कैसे अपने प्लांट को कैल्शियम दे सकते हैं और कैल्शियम की कमी को पूरा कर सकते हैं। ख़ासतौर पे जो हमारा मोगरा प्लांट होता है उसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम के अलावा कैल्शियम भी एक ज़रूरी तत्व है। सफ़ेद फूलों वाले पौधों में कैल्शियम की बहुत ज़रूरत होती है और कैल्शियम की कमी से प्लांट में ग्रोथ रुक जाती है, साथ ही पत्तियाँ पीली पड़ जाती हैं या पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं और फ्लावर नहीं आते हैं। इसके अलावा प्लांट की जड़ों की अवशोषण क्षमता कम हो जाती है, जिससे हम कोई भी फर्टिलाइज़र डालते हैं तो वो पोषक तत्व हमारे प्लांट को नहीं मिल पाते हैं। तो कैल्शियम की ज़रूरत को पूरा करना बहुत ही ज़रूरी है। यदि कैल्शियम की कमी रह जाती है तो हम कितने भी फर्टिलाइज़र देते रहते हैं प्लांट को नहीं लगते हैं। तो इसके लिए बहुत सारी चीज़ें मार्केट में अवेलेबल हैं, चाहें तो आप उनका भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है और ये फ्री का तरीका है। इसमें कोई ज़्यादा पैसे नहीं लगने हैं। वैसे कैल्शियम की बहुत सारी जिप्सम है, चूना है, इन सब चीज़ों को भी आप प्लांट में यूज़ कर सकते हैं। अंडे के छिलके भी यूज़ किए जा सकते हैं, लेकिन मैं अपने प्लांट में ये चौक ही यूज़ करती हूँ, तो मैं आज आपको वही बता रही हूँ। और ये सिर्फ मोगरा ही नहीं, आप दूसरे सभी प्लांट में जैसे कि गुलाब है और भी फूलों वाले पौधे हैं, सब्जियों वाले प्लांट हैं, इनमें भी यूज़ कर सकते हैं। और बहुत आसान सा तरीका है, आप इसको यूज़ करके मंथ में एक बार यूज़ करते हैं तो कैल्शियम हमारे प्लांट को मिल जाता है और उसकी कैल्शियम की ज़रूरत पूरी हो जाती है। मोगरा प्लांट जैसा कि आप जानते हैं एक हैवी फीडर प्लांट है, इसको हमें बदल बदल कर फर्टिलाइज़र देते रहना चाहिए, जिससे सभी न्यूट्रिशन इसको मिलते रहें, चाहे वो नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस हो, मैग्नीशियम हो, बोरॉन, आयरन, सभी चीज़ों की इसमें ज़रूरत होती है, तभी प्लांट अच्छी तरह से फूल देता है। यदि इनमें कोई भी मिनरल्स कम हो जाते हैं तो प्लांट पर इसका इफ़ेक्ट पड़ता है और प्लांट में फ्लावर की मात्रा कम हो जाती है या फिर फूलों का आकार छोटा हो जाता है और पत्तियाँ सिकुड़ जाती हैं। तो चलिए मैं बताती हूँ आपको कैसे इस चॉक का यूज़ करना है और कितनी बार इसे हमें हमारे प्लांट में देना है। इसके अलावा आप इसमें चूना दे सकते हैं, लेकिन सबसे सेफ़ तरीका ये चॉक का ही है। इसको आप देंगे तो प्लांट में किसी तरह का साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा और प्लांट में बहुत अच्छी मात्रा में कैल्शियम भी मिल जाएगा। तो हमें चॉक के टुकड़े ले लेने हैं, पॉट की साइज़ के हिसाब से। देखिए आप, ये मोगरा प्लांट में बड़ा पॉट है तो उसके हिसाब से मैं टुकड़ा लूँगी। यदि छोटा पॉट है तो आपको छोटे टुकड़े की ज़रूरत होगी। तो मैंने बड़े पॉट के हिसाब से ये एक चॉक में से आधे चॉक का टुकड़ा ले लिया है। यदि इससे छोटा पॉट होता है तो आप इसका आधे से आधा भी कर सकते हैं। और इसमें मिट्टी में हमें हल्का सा पानी डाल देना है। पहले मिट्टी थोड़ी सी नम गीली होनी चाहिए। इसके बाद जड़ों से थोड़ी दूर गमले के किनारे पर एक गड्ढा कर देना है। इस तरह से मैंने गड्ढा कर दिया है और इसमें मैं ये आधा चॉक का टुकड़ा इस तरह से रख दूंगी। इसके बाद इसे मिट्टी से दबा देना है। बस ये अपने आप जब भी आप पानी देंगे इसमें प्लांट में तो अपने आप घुलता रहेगा और धीरे धीरे प्लांट की जड़ों तक कैल्शियम पहुंचता रहेगा। ये सबसे सेफ तरीका है। यदि आप भी इसको आजमाते हैं तो आपके प्लांट में होने वाली कैल्शियम की कमी दूर हो जाएगी। थैंक यू।